टुडे आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दी थायराइड अल्ट्रासाउंड इट्स नॉर्मल वर्सेस अब नॉर्मल इमेज सेकेंड टेक्निक एंड डिफरेंट फीचर्स सेकेंड टेक्निक अल्ट्रासाउंड इज डन विद दी लीनियर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब एटलीस्ट 7 MHz विद कलर डॉप्लर पेशेंट शुड बी लेड सिमेट्रिकली ऑन द बैक ऑन द हाई टेबल विद स्ट्रेट आउट नेक एग्जामिन इन द ट्रांसवर्स प्लेन and longitudinal plane. For any lesion, consider the two plane. Ask the patient to swallow to detect the movement and longer hidden lesion. Do not forget lymph node assessment. इसका मतलब ये है कि हमें लीनर प्रोब से अल्ट्रासाउंड करना चाहिए एटलीस्ट 7 MHz हो और प्रोब टेक्निक में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन में अल्ट्रासाउंड करते हैं. इसके लिए अल्ट्रासाउंड के साथ जब आप थायराइड का अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके साथ आपने लेम्फ नोड का असेसमेंट भी लाजमी करनी है. दिस इज़ दी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड इमेज ऑफ दी थायराइड. इसमें हम एनाटॉमी डिस्क्राइब करते हैं. सबसे पहले दिस इज़ दी राइट लोब ऑफ दी थायराइड, दिस इज़ दी लेफ्ट लोब ऑफ दी थायराइड, दिस इज़ दी ट्रैकियल कार्टिलेज एंड दिस इज़ दी कॉमन कैरोटिड आर्टरी. इसके साथ इंटरनल जुगलर वेन होती है और ये जो मसल नज़र आ रहे हैं ये है स्ट्रैप मसल और ये आर्टरी है दोनों साइड पर. राइट लोब, लेफ्ट लोब, एस्टमस. अच्छा, राइट लोब जो है ना इसको जो टेक्निक है ना वो मेजरमेंट की वो ये है कि आपने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स प्लेन में करना है. ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल में भी साइज देखना है इसका और ट्रांसवर्स प्लेन में भी लाजमी देखना है दोनों साइड पे. अच्छा, ये जो है ना अपना थायराइड का जो साइज है ना एस्टमस का वो होता है 4 to 6 mm. अगर इससे ज़्यादा हो तो ये इनलार्ज होता है. तो जो अपना इस एपी डायमेंशन में जो इसका साइज़ होता है ना वो 2 cm तक होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में या ट्रांसवर्स प्लेन में इसका साइज़ जो होता है जो हम लेते हैं वो अगर 4 cm से ज़्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि थायराइड इनलार्ज है 4 cm से ज़्यादा. और एस्टमस का कैसे ज़्यादा 4 to 6 mm नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये लोब जो है इनलार्ज है. इसके दो पोजीशन में देखते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में आप ले सकते हैं और दूसरा ट्रांसवर्स प्लेन में. ये दोनों प्लेन में लेके फिर हम इसका साइज मेजर करते हैं. अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड है अपना, ये अपने पिक्चर दी हुई है गूगल से. तो ये है, इसमें देखें कि ये लोब जो है ना ये थोड़ा सा हेट्रोजीनियस है, देखें ना, तो इनलार्ज है, हेट्रोजीनियस है. और कलर डॉपलर पे ये देखें फ्लो बहुत ज़्यादा है, ये देखें इस तरह. जब इस तरह की इमेज आए तो इसमें आपने दो डिफरेंशियल रखने हैं, एक तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस, दूसरा जो है आपने देखना है ग्रेव डिजीज़. अच्छा, हाशिमोटो में ये होता है कि उसमें ना हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, जो अपना ग्रेव डिजीज़ है उसमें हेट्रोजीनियस लेस होता है. इनिशियल स्टेज में वो हाइपरक्विक भी हो सकती है ग्रेव डिजीज़ में जो लोब वगैरह है और इन लार्ज होती है, हाइपरक्विक हो सकती है. फिर जब जूं स्टेज गुजरती जाती है उसके साथ उसमें हेट्रोजीनिसिटी पैदा हो जाती है. तो ये जो है ये हेट्रोजीनियस ज़्यादा होगा और जो अपना ग्रेव डिजीज़ है उसमें हेट्रोजीनिसिटी कम होगी. अच्छा, जो एक और जो फ़र्क जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ग्रेव डिजीज़ है वो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है और जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होती है वो हाइपोथायरॉयडिज्म होती है. अच्छा, ये जो है ना डिफरेंशियल में जब हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर हो, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड लोब हो तो दोनों हों, तो इसमें दो डीडी होते हैं, एक हाशिमोटो और दूसरी ग्रेव डिजीज़. ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, हाई वेस्कुलरिटी होती है विद हाई वेलोसिटी फ्लो होता है करेक्टरिस्टिक, मोर देन 60 cm पर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी होती है पर सेकेंड. तो ये जो है ना इसको डिफरेंशियल कहाँ से है, इसका डिफरेंशियल हाशिमोटो थायराइडाइटिस. इट्स डिफिकल्ट हाउएवर द ग्लैंड इज लेस हेट्रोजीनियस एंड लेस लोब्यूलर एंड हाई वेलोसिटी. ग्रेव डिजीज़ की जो हेट्रोजेनिसिटी है वो कम होती है और इसकी वेलोसिटी जो है कलर डॉपलर पे ज़्यादा होती है. ठीक है ना, ये उन्होंने मुख्तलिफ वेलोसिटी दी हुई है कलर डॉपलर के ऊपर, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रेव डिजीज़ और हाशिमोटो थायराइडाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट करना है. तो ये जो केस है इसमें भी इस तरह ही है, ये ग्रेव डिजीज़ का केस है. इसमें आप देखें कि कलर डॉपलर पे फ्लो जो है ना वो ऐसे है ज़्यादा है. ठीक है ना, मल्टीपल स्मॉल वेसल जो है ना ऐसे स्प्रेड हुई पड़ी हैं पूरी थायराइड में. तो ये डिफरेंशियल में आता है ग्रेव डिजीज़ और हाशिमोटो थायराइडाइटिस. ठीक है ना, तो ये केस है
ग्रेव डिजीज का, ये अनदर केस है। ये जो है ना, इसमें मल्टीपल निड्यूल नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये निड्यूल है, ये सॉलिड लुकिंग है, ये देखें ये सॉलिड, ये सारा जो है ना मल्टी निड्यूलर का केस है। तो जब इस तरह की अपीयरेंस है तो इसका मतलब है कि मल्टीपल निड्यूल पड़े हुए हैं, तो आपने इसे मल्टी निड्यूलर गैटर लेबल करना है। अब ये कुछ फीचर दिए हुए हैं कि फीचर आप मैलिग्नेंट थायराइड निड्यूल कहते हैं, बिनाइन के क्या होते हैं, मैलिग्नेंट के, मैलिग्नेंट में जो होते हैं वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन होगी, इरेगुलर मार्जन होंगे, मार्ड हाइपोइकोजेंसिटी होगी और हाइपरवैस्कुलरिटी होगी। ये फीचर जो है मैलिग्नेंट थायराइड निड्यूल को शो करते हैं। अच्छा, ये केस है थायराइड का, इस अल्ट्रासाउंड पे ये है पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा। ये कैसे है, ये सिस्टिक है, ये सॉलिड कंपोनेंट, और सॉलिड कंपोनेंट में ये देखें कलर डॉपलर पे फ्लो आ रहा है। तो ये सिस्टिक, ये सॉलिड कंपोनेंट, ये केस है सिस्टिक सॉलिड अपेयरेंस होगी और सम माइक्रो कैल्सिफिकेशन भी होगी। तो ये केस है पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का। अच्छा, इसकी अपेयरेंस हाइपोइकोइक भी हो सकती है, सिस्टिक सॉलिड भी हो सकती है, लेकिन इसमें कैल्सिफिकेशन वगैरह लाजमी होगी। ज़्यादातर अपेयरेंस जो हो जाए, जो सिस्टिक पेपिलरी कार्सिनोमा होते हैं, उनकी अपेयरेंस इस तरह की होती है, सिस्टिक अपेयरेंस सॉलिड और इसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन। ये केस है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का। अच्छा, ये लार्ज सा हाइपोइकोइक सा हेट्रोजीनियस सा एरिया है ये थायराइड के अंदर। तो ये है अपना एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा क्या फीचर है, ये इसका साइज बहुत बड़ा होता है, 5 to 10 centimeters, और ये जो सराउंडिंग वेसल्स है ना, जो कैरोटिड वगैरह, इसको डिस्प्लेस करता है। तो ये क्या चीज का केस है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा का। तो एक और डिजीज है सब अक्यूट थायराइडाइटिस, ठीक है ना। तो ये है नॉन सेपरेट थायराइडाइटिस, इट इज़ अनकॉमन डिजीज दैट अकर मोस्ट इन द वोमेन इन दियर सेकेंड टू फर्स्ट डिकेड ऑफ द लाइफ। दिस डिजीज यूजली प्रेजेंट विद द थायराइड टेंडरनेस, लो ग्रेड फीवर एंड ओकेजनल डिसफेजिया। डिजीज रिजॉल्व स्पोंटेनियसली यूजली विदाउट थायराइड फंक्शन एबनॉर्मलिटीज। इसके जो सब एक्यूट थायराइडाइटिस के फीचर हैं अल्ट्रासाउंड पे, इल डिफाइंड मॉडरेटली और मार्कली पैची हाइपोइकोइक एरिया होते हैं ऑफ थायराइड पर रिकमेंड दैट शो लिटल आर टू नो वास्कुलैरिटी ऑन द कलर डॉपलर। मतलब हाइपोइकोइक एरिया होंगे और इसमें वास्कुलैरिटी वगैरह नहीं होगी, ठीक है ना। हाइपोइकोइक एरिया टेंड टू बी इलांगेट इलांग लॉन्ग एक्सेस ऑफ द थायराइड। ये फीचर है सब एक्यूट थायराइडाइटिस की। अब ये अल्ट्रासाउंड पे आप देखें सब एक्यूट थायराइडाइटिस के फीचर जो है, ये देखें हाइपोइकोइक से एरियाज हैं, ये बाइलेटरल्स हैं ये दोनों में। तो ये फीचर है अपना, इस पर कलर डॉपलर पे वास्कुलैरिटी वगैरह बिल्कुल नहीं होती। तो ये सब एक्यूट थायराइडाइटिस का केस है। अच्छा, ये भी एक और केस है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का। ये इसकी प्रेजेंटेशन वेरियस होती है, जैसे ये हाइपोइकोइक सॉलिड प्रेजेंट करता है या सिस्टिक सॉलिड प्रेजेंट करता है, और सॉलिड कंपार्टमेंट में वास्कुलैरिटी होती है। ये भी केस है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा का। ये केस है कोलाइड निड्यूल का, इसमें जो सिस्टिक एरियाज भी आ रहे हैं, ये देखिए। ये वेरियस प्रेजेंटेशन होती है जो कोलाइड निड्यूल है, उसमें एसोइकोइक भी हो सकता है, हाइपोइकोइक भी हो सकता है, इस तरह की प्रेजेंटेशन भी होती है। इसमें ना इकोजेनिक से कोमल टेल आर डिफेक्ट होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं जो। तो ये टिपिकल फीचर है कोलाइड सिस्ट की। तो बेसिकली कोलाइड सिस्ट भी कोलाइड निड्यूल ही होती है। अच्छा, ये जो है ना अल्ट्रासाउंड नज़र आ रहा है, ये जो पिक्चर, इसमें ना थायराइड लिम्फोमा का केस है। ये किस तरह होता है, इसने पूरे थायराइड को इन्वॉल्व किया होता है, इस तरह हेटरोजीनियस जो होता है हाइपोइकोइक सा होता है, पूरे थायराइड को इन्वॉल्व किया होता है। तो इसमें कहीं कहीं कैल्सिफिकेशन भी नज़र आ रही है। तो ये किस चीज़ का केस है, थायराइड लिम्फोमा का। अच्छा, इसी तरह जो मेटास्टेसिस ऑफ थायराइड है वो भी ऐसे ही होती है, मतलब होस्ट ही हेट्रोजीनियस है और हाइपोइकोइक है, वो भी प्रेजेंट कर सकती है। सो आज के लेक्चर में हमने जो है थायराइड अल्ट्रासाउंड के मुख्तलिफ फीचर पढ़ी हैं, अल्ट्रासाउंड थायराइड किस तरह करते हैं और इसके वेरियस पैथोलॉजीज वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। तो ये एनाटॉमी आपको आनी चाहिए, इसकी थायराइड वेरियस पैथोलॉजी आनी चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच।